हरनाज कौर ने कुछ ही दिन पहले मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर भारत का नाम दुनिया भर में ऊंचा किया है। पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी हरनाज का कहना है कि वह बॉलीवुड में शाहरुख खान की दीवानी हैं और दीपिका पादुकोण उनकी सबसे पसंदीदा अभिनेत्री हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान हरनाज का कहना था, शाहरुख खान दीपिका पादुकोण आई थिंक बेस्ट ओम शांति ओम डुओ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। नॉट ओनली एक्टिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑन स्क्रीन वो कैसे हैं बट ऑफ स्क्रीन भी वो कैसे हैं। मेरे लिए हमेशा आर्टिस्ट, मैं हमेशा जब आर्टिस्ट को देखती हूँ एज एन ऑडियंस और एज एन एक्टर, तो मैं उनको उस ढंग से देखती हूँ कि ऑन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी वो कैसे हैं। तो उनका दोनों का जो एटीट्यूड है वो काफ़ी डाउन टू अर्थ रहा है और जिस ढंग से उन्होंने अपने आप को क्रिएट किया है, अपना ऑरा एंड हर चैलेंज को उन्होंने फेस किया है, आई थिंक वो हम सबको सीखना चाहिए। अपनी पसंदीदा फिल्म के बारे में हरनाज ने कहा, आई थिंक जो मेरी फेवरेट मूवी अभी तक की रही वो मैरीकॉम है। द वे उन्होंने, क्योंकि मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती हूँ, सिर्फ बात ही नहीं, आई हैव सीन दैट क्लोजली और मुझे पता है कि मैंने क्या ब्रेक करना है वो स्टेरियोटाइप। तो वो मैरी कॉम मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है। दंगल भी है बट वो होता है ना कि जैसे हर मूवी अपने आप में अच्छी है, दंगल अपने आप में मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैरी कॉम अपने आप में। तो जब भी वो जो वो गाना है ना दिल जिद्दी है, आई थिंक वो हर इंसान में वो उसका दिल है वो जिद्दी, बस उसको ढूंढना है कि वो किस चीज़ के लिए जिद्दी है और जब वो जिद पकड़ लेता है तो वही बात, कुछ नहीं उसका, कोई नहीं कुछ उखाड़ सकता। अपनी जीत के बारे में बात करते हुए हरनाज ने कहा, मेरी नहीं सबकी मेहनत थी और इसकी वजह से हमें ये क्राउन मिला है। कब से हम वेट कर रहे थे इस चीज़ के लिए। काफ़ी खुशनसीब महसूस करती हूँ मैं अभी, काफ़ी खुशनसीब महसूस करती हूँ मैं, पर मैं कहकर गई थी कि मैं हरनाज हूँ और देश का नाज हूँ और मैं क्राउन ज़रूर लेकर आऊँगी और मैंने आई थिंक वो किया राइट एंड आई एम हैप्पी। आई जस्ट कांट वेट कि मैं ये सब कुछ सेलिब्रेट करूं इंडिया के साथ एंड जो इश्यूज हैं जिसके बारे में बात करना चाहती हूं आई एम डिटरमिन्ड टू उसके बारे में और अच्छे से बात करूं। हरनाज से जब पूछा गया कि क्या वो एक्टिंग में हाथ आजमाएंगी तो उनका कहना था, इट्स टू सून टू यू नो डिस्क्राइब दैट हाउ माई फ्यूचर विल लुक टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पता है क्या होगा जिंदगी में। But being an actor, I am looking forward. Jo bhi hoga, let's hope for the best. To be honest, but acting hamesha mera passion raha hai, aur main acting ke through logon ko inspire karna chahti hu. Kyunki aaj ki duniya mein sab acting se bahut intimidated feel karte hain, bahut unko aisa lagta hai ki kaash hum bhi us character mein hote, kaash hum bhi us movie mein hote. तो पता है हमें कैसे सबको इन्फ्लुएंस करना है और अगर है वो कला तो आप उसको यूज़ करो सही ढंग में एंड ये प्लेटफॉर्म से अपना अपने दिल की भी सुनो और लोगों को इंस्पायर भी करो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। INS रिपोर्ट।